मुझे पता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज ऑन बियॉन्ड ट्रैवलिंग हैज बिगन। जो दो डेकेड्स में इकट्ठा किया गया, जिन लोग जिनके लिए, जिस पार्टी के लिए फैसिलिटेशन की गई, जिस पार्टी के लिए कारकुनान, जिस पार्टी के लिए रहनुमा इकट्ठे किए गए, जिस पार्लियामेंट के लिए उनको एक रिगिंग का मामला किया गया, एक आरटीएस को बिठाया गया, उसके बाद आज अनरैवलिंग जो है वो आज तो नहीं, खैर कुछ अरसे से शुरू है, अब अनरैवलिंग जरा वाकई में शुरू हो गए। इमरान खान साहब पैनिक मोड, वो कह रहे हैं जी अब मुझे हिसार मेरा कर लिया है जमान पाक पुलिस वालों ने, और अब जो है वो मेरा आखिरी बयान हो सकता है, लेकिन उनका आखिरी बयान नहीं है, घबराना नहीं है, वाले अब वाकई घबरा रहे हैं। इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं जरा सुन लीजिए। इसमें जीतेगा कौन, एक अहम सवाल है। इमरान खान साहब के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फिर जाहिर है फंडामेंटल राइट्स और भी लोगों के हैं, और भी जो फौजी तंसीबात हैं उनके भी राइट्स हैं, उनके शहदा की भी रिस्पेक्ट है। अब वो कहाँ चली जाती है, वो मलहूज खातिर क्यों नहीं रखी जाती है, जब इस तरह की दहशतगर्दी की जाती है, तशद्दुद पसंदी अपनाई जाती है, रवैयों में इस तरह के रवैये सख्त रखे जाते हैं, तोड़ दो, गिरा दो, जला दो, और सबको पहुंचो, यहाँ पहुंचो, वहां पहुंचो, और अब तो अब बाकायदा ऑडियोज वीडियोज आप सबके सामने है, तो अब इस बात पर तो दो राय नहीं हो सकती कि ये पीटीआई के कारकुनान नहीं थे, इनमें एजेंसीज के लोग मुलव्वस हैं। दिस इज एब्सोल्यूट रबिश। ये बात तो अब तय हो गई है कि इमरान खान साहब ने, अब उनकी पार्टी पॉलिसी थी या नहीं थी, किसी और कारकुन ने किया, किसी और रहनुमा की डिक्टेशन थी, लेकिन इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। तो ये कैसे हो गया कि इतना सब कुछ हो गया, और जाहिर है कंडेमनेशन हैज ऑल्सो कम इन टू लेट, और माजरत के साथ फौज आपकी औलाद नहीं है, आप उनको डांट के, झिड़क के, धमका के आप उनको अपनी बिडिंग नहीं करा सकते, और आप तो खुद अडॉप्टेड है, बाजवा साहब ने तो आप खुद आपको कहा जाता था कि उनके आपके अब्बा की तरह हैं, आज आप उनको बच्चे कह रहे हैं, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। लेकिन साथ साथ अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का आमिर मीर साहब ने, क्या फरमाया सुनिए। दहशतगर्दों को हैंड ओवर करते हैं, जो पार्टी की अपने रहनुमाओं से डिसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को, जो पार्टी के अंदर दरारें पड़ रही हैं, जो लोग आज डिसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्कि पूरी सियासत से, जो आमिर कयानी साहब ने आज गुफ्तगू की है वो भी हमारे सामने है। लेकिन साथ साथ ना सिर्फ ये कि इनकी पुष्ट बनाई की गई, पर अब इनको अगर बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो जाहिर है ये किसी भी कोर्ट में आप ट्राई कर लीजिए, सिविलियन में या रेलिवेंट लॉ के हवाले से कोई भी और एक्ट के तहत ट्राई कर लीजिए, सजा तो बड़ी शदीद होगी। और अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही एक बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक बात है। और इमरान खान साहब को आखिर में अगर पुष्ट पनाही किसी की चाहिए या उनको किसी पर तकिया करना है, तो एक्चुअली में वो कौन है? और अब जो ये सुलह सफाइयों की बात हो रही है, इज इट टू लिटिल टू लेट, इस पर बात करेंगे। वफा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उन्होंने वेलकम बैक, हम गुफ्तगू कर रहे थे बिफोर द ब्रेक, ये इमरान खान साहब को ये खतरा लाहक है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था इंटरिम जो इस वक्त मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने सुबह में ये कह दिया था कि वो पुष्प पनाही कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तहफ़ फराहम कर रहे हैं उन लोगों का जो जिन्होंने ये कोर कमांडर हाउस में चल जाके तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, और साथ साथ जाहिर है फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, एम्बुलेंसेज में बैठे लोगों को निकाला, मरीजों को रोड पर फेंक दिया, ये तमाम तर चीज़ों के जो हैं लोग वो उनके घर में इस वक्त छुप कर बैठे हुए हैं, ये इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पर। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की कि ये मेरा आखिरी बयान हो सकता है क्योंकि पुलिस ने मेरे घर का हिसार कर लिया है, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने डिलीट की, फिर दोबारा उन्होंने ट्वीट की, फिर रिपोर्टेडली कहा गया, आज उन्होंने लातालुकी का इजहार भी किया, कुछ लोगों के नाम वो लेना भूल गए, जिस पर कि फवाद चौधरी साहब की वाइफ ने उनको ये याद दिलाया कि आप उनका नाम लेना भूल गए और इनका नाम लेना भूल गए। तो ये मामला जो है कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जाहिर है कि अगर ये इस कदर मुश्किल हो गए हालात, तो क्या वाकई रेलेवेंट लॉज के तहत कार्रवाई होगी, और क्या ये रेलेवेंट लॉज जो हैं जिसके ऊपर रज़ा रबानी साहब भी कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए, आर्मी एक्ट के तहत कोई भी मुकदमात नहीं चलने चाहिए, और ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत ने तो इसका इंदिया भी दे दिया है, परमिशन भी दे दी है। अब ये तमाम तर मामला किस तरफ लेके जाएंगे, और साथ साथ इमरान खान साहब की पेशी भी है 31 तारीख तक, उनको बेल भी दी गई है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में उनके जो खौफ हैं वो सामने आ रहे हैं, उनका जो खौफ है जेल जाने का वो घबरा भी रहे हैं, और साथ साथ आज आसमान भी बरस
रहा है, इस्लामाबाद में, लाहौर में बहुत तूफ़ान बारिश हो रही है, तो हमारे टेक्निकल कुछ मसाइल भी होंगे, उनको प्लीज़ आप नज़रअंदाज कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुनीब फारूक साहब, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है और तालिबे इल्म कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल हमारे उस्ताद हैं। मुनीब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये फरमा दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है, अब क्या होने जा रहा है, ये जो अनडूइंग है, ये जो कफालत करते हैं, ये जो अडॉप्शन है, जो दो डेकेड्स लगा के इन्होंने पूरी जमात को खड़ा किया, अब इसी जमात को ज़ाहिर है जिस तरह से उन्होंने शोहदा को ज़ाहिर है उनकी शोहदा के फीलिंग्स को हर्ट किया है, उनके शोहदा की फैमिलीज़ की फीलिंग्स को हर्ट किया है, इस पूरी रियासत को नुकसान पहुँचाया है, अब उनके साथ जो हो रहा है वो ये तो नहीं कहा जा सकता कि यही होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि ये सारा सिलसिला जब इमरान खान साहब की जमात का शुरू हुआ था, वो तो खैर आपसे ढका छुपा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो उस वक्त से बल्कि उससे पहले से ये प्रोग्राम कर रही हैं और आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा भी है। लेकिन जो जिसे हम फाइनल प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हैं, वो उसकी बुनियाद पड़ी थी 2013 के इंतखाबात आने के बाद, और फिर ये फैसला कर लिया गया था कि इमरान खान साहब को इकतदार में लाना है, और जब वो इनिशियली आए तो यही कहा जाता था जी कि ये 10 साल का प्रोजेक्ट है, और जारी बात है उसके फैसिलिटेटर्स, उसके क्रिएटर्स, चीफ क्रिएटर्स वो मौजूद थे। अब हालात जरूर बदल गए हैं, लेकिन बहसियत एक सियासी जमात, जो कि कोई माने ना माने, मैं तहरीक इंसाफ को इसलिए कहता हूँ कि वो एक मकबूल सियासी जमात है, उसका वोटर है, सपोर्टर है, यकीनी तौर पर बहसीत एक पाकिस्तानी बहसीत एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, मुझे जरूर अफसोस होता है कि किसी सियासी जमात को इस तरह से खदेड़ना नहीं चाहिए। इंतखाबात से आप उन्हें वोट आउट करें, लेकिन वो किसी जमात का जो अंजाम है, सियासी अंजाम, वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए बहसीत एक पाकिस्तानी एक तकलीफ दे अमल है और मैं इसको कभी अप्रीशिएट नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि दो चीजें गैर फितरी होती हैं, उनका नतीजा या अंजाम भी फिर मतलब गैर फितरी ही होता है। जो किया गया, जिस तरह से बनाई गई जमात, जारी बात है उसके अंदर कुछ अमल तो आएगा जो गैर फितरी भी होगा और कुछ मामला खराब भी होंगे। अब जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त वो जिस मसले का सामना कर रहे हैं, तो मैं तो सना बच्चा साहब पहले भी अर्ज करता हूँ कि मैंने तो कम अज कम या किसी और ने तो शायद ना दिया हो मशवरा उन्हें कि आप मकबूल भी हैं तो फिर भी आप एक ऐसी लड़ाई लड़ना शुरू कर दें जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि आपने आर्मी चीफ अपने मर्जी के लगवाने हैं। जब आप इस महज पर चले जाते हैं तो फिर उससे मसाइल भी बढ़ जाते हैं, हालात में भी कुछ भी आ जाती है, और फिर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जिससे आप ये साबित कर देते हैं कि आप एक वायबल सियासी लीडर नहीं है, ना ही आप पर डिपेंड किया जा सकता है। और इमरान खान साहब ने तो ये बात साबित भी कर दी कि जो उनके बेनिफैक्टर्स थे, इमरान खान साहब ने उनको ये साबित किया कि जो प्रोजेक्ट था वो न सिर्फ रोग हो गया बल्कि उसने बैकफायर करना शुरू कर दिया। यकीनी तौर पर फिर कोई किसी सियासी ऐसी जमात के ऊपर, जो ऐसी रहनुमा के ऊपर, ऐसे सियासी रहनुमा के ऊपर जो बेनिफिशरी रहा हो एस्टैब्लिशमेंट का इन एवरी विच वे, उसके ऊपर कोई क्यों एतबार करेगा दोबारा? हाँ, मुश्किल होगा, कम अज कम मुझे तो असल समझ में नहीं आता। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान का मुख्तलिफ लोगों के साथ हो रहा है, मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त तर्ज़-ए-अमल है। लोगों का दो दो तीन तीन दफा गिरफ्तार होना, आज मैंने देखा मलिका बुखारी साहब जेल से रिहा हुई, उन्हें कुछ पंजाब पुलिस की तरफ से देख ली है, और सुशीनी मुजारी साहब को अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह अली मोहम्मद खान साहब बाहर निकले, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं जरूर कहता हूँ कि गुस्सा जरूर है हुकूमत के अंदर, खासतौर पर मुस्लिम लीग के अंदर, कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तो क्या इनके मुंह से जुबान भी निकली, इन्होंने कोई बात भी की, ये तो हमारे जानी दुश्मन बन गए थे। मैं उनका गुस्सा, उनका एंगेज अपनी जगह, लेकिन पेनल्टी किसी ना किसी जगह जाकर तो लानी होगी। सना बच्चा साहब, लड़ाई का जवाब लड़ाई और मुखालफत का जवाब मुखालफत, इससे तो ना मुल्क चलेगा और ना हालात बेहतर होंगे। मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन लेकिन मुनीब फारूक साहब, नदीम अफजल चंद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया पहले, उनका भी मौकफ ले लेते फिर आपके पास वापस आती हूँ। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त छोड़ी जिस वक्त आपने छोड़ी थी, लेकिन आपने ज्वाइन की थी इस पर भी सवालिया निशान था, छोड़ दी उस पर जाहिर एक्सक्लेमेशन मार्क ज्यादा था, सवालिया निशान कम हो गया। अब आप क्या फील कर रहे हैं सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अब टूट फूट हो रही है, जो विकटें गिर रही हैं, जो रबते हो रहे हैं, नून लीग बाजाबता कह रही है कि हमसे रबते हो रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स रहनुमा जो हैं पीटीआई के वो रबता कर रहे हैं, तो ये
मामलात इमरान खान साहब के लिए किस तरफ जा रहे हैं, और इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया अपने पावर को कि चले ठीक है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक पोजीशन लेना और एस्टैब्लिशमेंट के एक चीफ को मतलब उनकी स्पेस को ही मतलब अज्यूम कर लेना कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ या इसकी जसारत कर सकता हूँ, क्या आपको लगता है क्या हुआ है? लेकिन जहाँ तक उखाड़ बिछाड़ का तल्लक है तो मेरे ख्याल में खान साहब को तो पॉलिटिकल लोगों को संभालना आता भी नहीं है, ना उनकी ख्वाहिश है। वो पॉलिटिकल लोगों को, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको बड़ा बहुत हकारत की नजर से देखते हैं और उनके बारे में सोच रखते हैं जो उनके साथ हैं भी या जो उनको छोड़ दिए हैं। मुझे तो ज़ाती तौर पर कोई खिलाफ नहीं था, ना मेरी सच्ची बात इज्जत की करते थे। मैं तो 2 साल पहले इसलिए छोड़ा कि मैंने देख लिया था के जो खान साहब के नारे हैं वो सारे खोखले हैं और ये सब ड्रामा है। इस वक्त लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीचेस के जरिए, जिस तरह हम भी उस वक्त एक वर्गलाए में आ गए, तो मुझे तो अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने तो अपने लोगों से भी और अपने आप से भी और अपने परवरदिगार से माफी मांगी कि गलत फैसला कर बैठा, तो मैंने तो अपना फैसला रिवर्स कर लिया। उखाड़ में छाड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है किसी की आर्म ट्विस्टिंग करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए, तो पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से इसकी विक्टिम रही है हमेशा से, तो हम तो कभी भी इस चीज की असूली तौर पर सपोर्ट नहीं करते कि आप किसी को, हाँ कोई अपनी मर्जी से जिस पार्टी से भी इलेक्शन लड़ना चाहिए उसका हक है, बिल्कुल इसको आप नहीं रोक सकते। और दूसरी बात, जो इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जो इस वक्त हैं सूरत-ए-हाल, इन हालात में मैं समझता हूँ कि अब पीटीआई के जेन्युइन जो लोगों का असल इम्तिहान है, जो जमहूरियत पसंद की क्या इकतदार उनसे दूर हुआ है, तो अब भी उनकी जमहूरियत के साथ कमिटमेंट है या नहीं है, पार्लियामेंट के साथ कमिटमेंट तो उनकी है कोई नहीं, तो पार्लियामेंट को भी नहीं वो मानते, जमहूरियत को भी नहीं मानते, वो तो सिर्फ कहते हैं कि हमें इकतदार दिया जाए, का फौज के जरिए दिया जाए, का इलेक्शन के जरिए दिया जाए या कोई बैरूनी कुवतें इस्तेमाल हो, हमें इकतदार चाहिए उनको सिर्फ, इस वक्त तक जो मेरी समझ में बात आई है। क्योंकि सियासत में तो अपोजिशन भी झेलनी पड़ती है, सियासत में डायलॉग भी होता है, सियासत में पब्लिक रिलेशनिंग भी होती है, तो इन चीजों से पीटीआई की क्यादत या उनका बयानियां इन चीजों से आ रही। अब जाके अगर वो डायलॉग की तरफ आना चाहें तो ये पहले उनका जो एक सियासी घमंड है, जो सियासी तकब्बर है, वो टूटना जरूरी था। अगर उनका टूट गया है तो फिर वो डायलॉग की तरफ आएंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि फिर भी रवादारी और वजादारी का सबूत दे, पॉलिटिकल वजादारी का, क्योंकि इन चीजों की विक्टिम पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से रही है, बहुत लंबा अरसा है। शहीद बीबी का दौर हो, भुट्टो साहब का हो, आसफ अली जरदारी साहब की जेल हो, तो मैं समझता हूँ कि नून लीग भी विक्टिम रही है, तो इन दोनों बड़ी पार्टियों को सोचना चाहिए और अल्टीमेटली हमें डायलॉग करने। तो मतलब इमरान खान साहब को एनआरओ दे दिया जाए, आप क्या समझते हैं? देखिए एनआरओ क्योंकि खुद उन्होंने एक लफ्ज बदनाम कर दिया है, लेकिन रिकंसिलिएशन या डायलॉग अच्छी चीज होती है सियासत में। सियासत में हट धर्मी या डिक्टेटरशिप या ये रवैया या गाली गलोच, इस बयानिए के मैं तो खिलाफ हूँ और आप लोग भी खिलाफ हैं, समझता हूँ आप जो बैठे हुए सामने, तो मेरे ख्याल में हमें डायलॉग जरूर करने चाहिए और कानून अपना रास्ता बनाएगा जिसने जो जुर्म किया है। ये खान साहब खुद भी नहीं चाहेंगे कि करप्शन के मुकदमे से उनको माफी दी जाए, वो अदालतों का सामना खुद करना चाहेंगे, तो मेन चीज है। बाकी ये छोटे मोटे दफा 144 या फलाने ये मुकदमे तो मैं समझता हूँ हुकूमतें खत्म भी कर देती हैं, लेकिन करप्शन का मुकदमा या जो बहुत सरकारी अमलाक को जलाना या नुकसान करना, इदारों के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो साबित हुए, इनमें माफी रियासत इतनी आसानी से दे भी नहीं सकती क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्टेक होते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब के लोगों को माफी देंगे तो फिर आपको बलूचिस्तान और केपी के लोगों को भी माफी देनी पड़ेगी, कराची के लोगों, सिंध के लोगों को भी देनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि जीटी रोड के लिए और कानून और दूसरे सूबों के लिए और कानून, ये अदल नहीं है।
चलें, ये बड़ी सीरियस बात आप कर रहे हैं कि अब इसको हम इस तरह से ना देखें, लेकिन चलें मुनीम फारूक साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि साजिश तो सिर्फ ये नहीं थी ना कि फौज के खिलाफ एक एक पोजीशन लेनी है, साजिश तो ये थी अब जो बेनकाब होने जा रही है कि आर्मी चीफ को चेंज करना है, नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको उनको नहीं आना है, उनको नहीं आने देना है, उनका उनकी विश लिस्ट कुछ और है, इनकी विश लिस्ट कुछ और है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मिलते थे ये सारे ताने बाने, अब ये सारा अनरैवल हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे मुनीम? क्योंकि ये बड़ा तकलीफ से अमल है, कम अज कम चले पाकिस्तान में जो कि तारीखी तौर पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ एज अ वेरिटेबल आर्म पाकिस्तान की आला अदलिया का किरदार रहा है और बड़ी गंदी और चकड़ हिस्ट्री है पाकिस्तान की आला अदलिया की। मैं तो इसके तालब इल्म लिख भी चुका हूँ और पढ़ के अफसोस भी होता है जो हमने किया है, जो हमारे जज साहिबान ने किया है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जो जस्टिस के हवाले से जो इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और जो उनका कंडक्ट है पिछले कुछ हफ्ते के अंदर, चाहे वो जूनियर जजेस की एलिवेशन हो सुप्रीम कोर्ट में जिसके ऊपर डिनाइबल दो बातें दो भारतीय मुद्रा ने की, उनका कोई डिनाइल नहीं है और वो अपनी जगह मौजूद है, या तो उनको सजा दी सकते हैं मुद्रा को कि आपने झूठ बोला है। अब अगर वो बात ठीक कर रहे हैं कि आज की चीफ जस्टिस है सबका आर्मी चीफ से सिफारिश की थी कि आप पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब को कहें वजीर आजम को कि मैंने जज एलिवेट करवाने हैं तो आजम नजीर कारण का बोर्ड जुडिशल कमीशन में हमें दिलवाए, तो अगर तो ये चीफ जस्टिस साहब ने किया तो फिर वो इंसाफ की तर्जुमानी तो कोई नहीं कर रहे। उसके ऊपर एक सियासी मैनूवरिंग है, एक हरबा है जो इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये बड़ा तशवीशनाक अमल है। दूसरा उनका कंडक्ट रहा है चीफ जस्टिस, मैं समझता हूँ वो बड़ा मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, मुझे बहसीत एक पाकिस्तानी मैं बहुत पाई हूँ, लिहाजा अब अगर वो इस मामले का भी ताल्लुक है जो आप फरमा रही हैं कि जी किस तरह काजी फाजिसा साहब को नहीं आने देना, तो फिर और रह क्या जाता है सर मुझे साहबा, अगर इस तरह से नेकेड कॉन्स्पिरेसीज हमारे सामने आएगी और समय पता लग जाएगा, जिस तरह मैंने कहा कि मैं तो हैसियत एक साफी के बहुत सी चीजों से वाकिफ हुआ, मानिए ऐसी चीजें जिनसे शर्म से सर झुक जाता है कि पाकिस्तान ने नवंबर के महीने में चंद रोज कबल भी और नवंबर के महीने में खास तौर पर उस वक्त के कई डेकोरेटेड लोगों ने अपने ही कोलीग के खिलाफ किस पर साजिश की, वो अल्लाह का करना था मेरे ख्याल में, बस वो इसका कामयाब ना हो सकी और किस तरह से आसिफ मुनीम साहब आज पाकिस्तान की आर्मी की बंदे कसर किसी ने कोई नहीं छोड़ी। मैं आपको ये भी बता दूं एज वी मैं कि मुझे ये बिल्कुल बात क्लियर है और इसके बारे में मेरे पास इरिफ्यूटेबल एविडेंस है कि शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर किया गया कि आप ये नाम से कर दें वरना आप खारिज हैं, आप खारिज हैं, हम टेक ओवर करने लगे हैं, तो उस वक्त तो बारिवा साहब थे और वो बिल्कुल वो दौर चल रहा था एंड में, और किस तरह से जनरल आसिफ मुनीम साहब के कोलीग्स ने उनके खिलाफ साजिश की और किस तरह लोगों ने क्या क्या किया, तो ये बड़ा 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 खौफनाक अमल था। अब अगर चीफ जस्टिस साहब भी खुदा ना खास्ता इस तरह के किसी काम के अंदर उनकी भी कोई मर्जी मंशा शामिल है और ऐसा कुछ होने का इरादा कभी था, तो मुझे तो यकीन माने बस शर्म के अलावा और कुछ नहीं आ रहा कि अफसोस भी हो रहा है और शर्म भी आ रही है कि ये क्या हो रहा था, और जो फिर कुछ मामला हमारे सामने पिछले दिनों अदालतों के अंदर सामने आए हैं उससे तो जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस साहब का जो कंडक्ट है वो कोई इम्पार्शल कंडक्ट नहीं है और वो मायूस करता है पाकिस्तान में निजाम अदल। अच्छा फारूक साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं चंद साहब को जाना है, मैं चंद साहब जल्दी क्विकली यार फरमा दीजिएगा, मुझे पता है आपको जरा जल्दी भी है सर, ये फरमा दीजिएगा ये जो डायलॉग की आप बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि सियासी जो उनका घमंड था वो टूट गया है, वो सियासी घमंड इस कदर तो टूटा है कि वो आर्मी चीफ के साथ एक बसालती अंदाज अपना रहे हैं, लेकिन सियासी जमातों के लिए तो अभी भी उनकी वही पोजिशन है। देखिए अब उनको अंदाजा हो गया है कि पहले भी उनकी सारी सियासत तो चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के गिर्द घूमती थी और उनको जो इलेक्टेबल उनके लिए लाए गए या जो सर पीटीआई को रूल बख्शा गया जो जागीर तरीन साहब ने खुद बताया, तो इसी तरह उसके बाद जो जनरल फैज को चीफ बनवाना और सारा डीजीसी के जरिए जो सुख डीजीसी जनरल फैज थे, तो आज तो लोग नाम लेते हैं ना, तो ये उनकी टारगेट तो यही था कि डिजाइन तो वही था, वो डिजाइन उनका फेल हो गया।
अब मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकली जरा लोगों से बात करेंगे, क्योंकि करप्शन के बयानिए में वो खुद भी फंस चुके हैं। करप्शन उनकी कैबिनेट मैं समझता हूँ 80% करप्ट थी, मैं दावे से कहता हूँ। उनके अपने ऊपर जो करप्शन का केस बना है, असल केस तो यही है, शहजाद अकबर जब आएगा तो सबको पता लग जाएगा। तो मेरे ख्याल में डायलॉग उनको वो चाहते हैं, लेकिन असल चीज है कि उनके उनकी गारंटी कौन देगा? उनकी गारंटी कोई पॉलिटिकल क्यादत, बहुत कम लोग हैं जो गारंटी, मैं समझता हूँ मियां साहब भी उसकी गारंटी मांगेंगे, खान साहब भी, जरदारी साहब भी मांगेंगे, दूसरी जमातें भी मांगेगी, इवन एस्टैब्लिशमेंट मांगेगी। तो वो शाह महमूद साहब या सद उमर साहब, जहांगीर तरीन साहब तो नहीं है, तो कौन सी उनकी क्यादत है बी टीम जो है वो क्या गारंटी देगी कि जो बात वो कमिटमेंट करेंगे उस पर खान साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये गारंटी तो हुकूमत को भी चाहिए होगी कि क्या प्रोजेक्ट इमरान आखिरी तजुर्बा था सियासत में मदाखलत का, अब इसके बाद तौबा कर ली है, ये भी तो मुआयदा होना चाहिए ना आप लोगों के। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए जो पार्टियां भी बनाई गई या इकतदार जिनको भी दिया गया या आगे भी दिया जाएगा तो वो गलत ही होगा, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया चांद साहब। मुनीब मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा अगर आप थोड़ा सा इसको रैप कर दें, क्योंकि शहजाद अकबर साहब को भी समन कर लिया गया 24 तारीख को, 23 तारीख को फैसल वाडा साहब को भी बुला लिया गया है, इमरान खान साहब को भी बुलाया गया, क्या एविडेंस भी लेकर आए, साथ आए, आज वो नोटिस नहीं ले रहे थे, फिर नैब ने जाकर नोटिस भी दिलवाया, आपको पता है वो पूरा एक लॉन्गेटेड प्रोसेस चलता रहा पूरा दिन, फिर जिस तरह से आपने खुद मेंशन किया कि लोगों को जमानत पर रिहा किया जाता है फिर उनको पकड़ लिया जाता है, तो अदालतें तो रिलीफ देने पर है इस वक्त, लग रहा है उस मूड में भी हैं और शायद जमानतें बनते भी हों, लेकिन अगर तो एक तंसीबात पर नुकसान करने के एक्चुअल में ऑडियो बयानात मौजूद हैं, ऑडियो फुटेज मौजूद है, वीडियो फुटेज मौजूद है, तो आर दे एनर, आपको लगता है कि ये बेजा की जमानतें हैं? कि ये सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट है। अब अगर तो अनडिनायबल और इररिफ्यूटेबल एविडेंस जिसके बारे में हमें कहा जा रहा है कि नहीं मौजूद है, तो फिर तो जिसने जो किया है सभा उसको सजा तो मिलेगी, कानून तो हरकत में आएगा। पाकिस्तान की फौज ने ये बड़ा बड़े उनको एक बड़ा हिट दिया है उन्होंने एज ए निधारा, और बड़ा उनको उन्होंने बड़ा खुद को एक मुसीबत में भी वो मुबतला हुए हैं, और बड़ा गुस्सा पाया जाता है इसका फौज के अंदर। अब जालकोट डरेल के अंदर आर्मी चीफ आज गए हुए थे तो वहाँ बड़ा गम और गुस्सा है रैंक एंड फाइल में फौज की, तो वो ऐसे तो नहीं बैठेंगे, फिर जिन्होंने कुछ किया है वो फिर उनका उसका जिम्मेदारी तो फिर वो भुगतेंगे। और बाकी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो जहां तक वो मैप के केसेस का मामला है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब का एक वाइटल किरदार था उस सारे अमल के अंदर, और वो क्योंकि मुशीर थे एहतसाब के और काफिला के भी, तो सारी बात है जो कुछ हो रहा था वो उनकी नॉलेज के बगैर तो नहीं था। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को बुलाया जाना एक नॉर्मल अमल है, शहजाद अकबर साहब को और बाकी काबीना के मेम्बरान को बुलाना भी एक नॉर्मल अमल है। काबीना के लोगों को तो इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो एविडेंस दें, विटनेस दें, एज ए विटनेस ये बात कहें कि वाकई ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, लेकिन तफ्तीश को आगे बढ़ने देना के लिए मतलब थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू मुनीब, थैंक यू मुनीब, थैंक यू। एजाज सैयद साहब ने भी ज्वाइन किया, एजाज सैयद साहब आप बड़ा इस्लामाबाद में, आपको भी पता है कहाँ पे क्या हो रहा है बिहाइंड क्लोज डोर्स, और हमें भी बताइएगा कि क्या हिसार कर लिया था जमान पाक का, और ये जो आज जिस तरह से नैब ने अपना समन मंजूर करवाया, उनसे रिसीव करवाया, वो भी सबके सामने है, क्या है इस वक्त और क्या रैंक एंड फाइल में हो रहा है? अब हम देख रहे हैं गैरिसन में भी जिस तरह से एक गम और गुस्से की जो लहर आ रही है, और एक रिएक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा है, जाहिर है इससे ज्यादा होना चाहिए जो हुआ है, लेकिन आपको कहाँ जाते हुए मामला दिखाई दे रहे हैं, और अंदर की बातें क्या है? क्योंकि यहां तक कहा जा रहा है कि वो आजम स्वाति साहब को जो फोन करने की वो ऑडियो है वो एक्चुअल में इशारा किसी और का है, तो ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड और लोगों के लिए भी यूज होते हैं, तो इनके फौज में भी कोड वर्ड्स थे, इनके अदलिया में भी कोड वर्ड्स थे, तो ये कहां जा रहे हैं मामला एजाज साहब? सना बहुत शुक्रिया आपका। मामला अब जहां पर भी जा रहे हैं, खान साहब के कंट्रोल में उतने मामला नहीं रहे हैं जितने पहले थे। अब अदलिया के लिए भी ये चीजें कोई इतनी आसान नहीं रही। अगर अदलिया ऐसे भी आगे जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि अदलिया अपने आप को
फर्दर एक जिसे कहते हैं ना अनपॉपुलर करेगी और अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाएगी अगर 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 इससे भी आगे जाकर अंबिया ने खान साहब की हमायत करने की कोशिश की तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना है, दोबारा गिरफ्तार किया जाना है, कब करना है और किस जो है एजेंसी ने करना है, एफआईए ने करना है, नैब ने करना है या किसी और ने करना है, इस बात का जो ये कार्ड्स है ये गवर्नमेंट भी अपने सीने से लगाई हुई है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं पावर के वो भी अपने सीने से लगाए हुए हैं। अच्छा तो ये फिर ये भी हो सकता है गिरफ्तारी फिर रेंजर्स से ही करवाई जाए या आपको लगता है कि अगर वो तो 31 तारीख तक तो उनके पास जमानत मौजूद है लेकिन जमानत तो उनको भी मिली है जो बाहर निकलते हैं उनको पकड़ लिया जाता है चाहे अली मोहम्मद खान साहब हो मलिका साहिबा हो श्री मजारी साहिबा हो ऐसा हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो आप देखें कि नैब ने उन्हें बुलाया है और देखें अगर नैब ने उनको बुला लिया है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो नैब भी उनको गिरफ्तार कर सकती है लेकिन कब किया जाना है ये सवाल अहम है। सवाल इस वक्त मेरे ये बात मैटर नहीं करती, इस वक्त मैटर ये करता है कि इमरान खान साहब कब गिरफ्तार होंगे, कौन गिरफ्तार करेगा ये शायद उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ अगर मिलिट्री खुद गिरफ्तार करके तो फिर बहुत मैटर करेगा लेकिन मोस्ट प्रॉबली ये है कि मिलिट्री गिरफ्तार नहीं करेगी, कोई और इंस्टीट्यूशन ही गिरफ्तार करेगा। और ये गिरफ्तारी का जो वक्त नहीं तय हो रहा आपको लगता है इसका भी अभी खौफ महसूस किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी से एक रिएक्शन आ सकता है, ये नहीं कि नुकसानात सिर्फ ये कि शौहरत में भी इजाफा होगा? शौहरत में तो इजाफा उनका हो गया बहुत ज्यादा, बात तो ये है कि अभी आज के दिन की बात हम कर रहे हैं, आज के दिन में बात शौहरत की नहीं है, बात यह है कि खान साहब को गिरफ्तार कैसे करना है और किसने करना है। तो खान साहब जो पोलिटिकल कैपिटल उनके पास है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नहीं है उनके पास, इसलिए तो ये है कि खान साहब जो है उनको गिरफ्तार करके आपने अदालत के सामने भी पेश कर रहे हैं और क्या अदालत उन्हें एक बार फिर घर भेज देगी या इस बार अदालतें जो है वो जो उनके ऊपर कानून का इतलाक करेंगी और अगर जिन लोगों ने गिरफ्तार करना है उनको इस बात का खतरा है कि अदालतें कानून का इतलाक करेंगी तो वो मिलिट्री कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट में भी ले जाएं तो तब भी पेश तो अल्टीमेटली आपने किसी ना किसी कोर्ट में करना है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो। एजाज साहब ये फरमा दीजिए कि ये जो मामला है ना ये जो तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं उनका जिन्होंने तशद्दुद किया जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया ये जो मामला है ना ये कि वो तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है पंजाब हुकूमत का ये जरा स्केची आपको लग रहा है कि यहां से हो सकती है गिरफ्तारी? दोबारा पूछिए, मैं आवाज आपकी कट गई, दोबारा पूछिए। मैंने कहा वो जो आज पंजाब हुकूमत का एक मौका है ना कि इन्होंने उनको तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं जिन्होंने तशद्दुद किया जो कोर कमांडर हाउस में घुसे वो तो उनके साथ वो जो बुनियाद है उस पर अरेस्ट हो सकता है पंजाब हुकूमत करे? नहीं देखिए उस बुनियाद पे अरेस्ट हो सकता है लेकिन वो तो खान साहब क्या करते हैं ना कि देखे मेरे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं मुझे तो नहीं पता कौन क्या है किसी ने अटैक किया या नहीं, ये केस बनाया जा सकता है। देखिए हुकूमत से कोई केस बनाना हो तो उनके पास आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा है, उनके पास जवाब बहुत ज्यादा है, बहाने बहुत ज्यादा है, बहाने भी कह सकते हैं आप, अगर हकीकत ना हो तो बहाना ही होता है लेकिन अगर हकीकत हो तो जवाब होता है। तो बात ये है कि वो
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे एजाज सैयद साहब से, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि ये फैसला तो हो गया कि गिरफ्तार करना है, लेकिन किसने गिरफ्तार करना है और फिर कैसे पेश करना है, कहाँ पेश करना है और ये क्या गारंटी है कि वो पेश किए जाएंगे और फिर गुड टू सी यू कह के उनको जमानत नहीं दे दी जाएगी बल्कि उनके लिए प्रोटोकॉल नहीं क्रिएट किया जाएगा, 10 लोगों को कहा नहीं जाएगा कि उनके साथ आके रहें और गपशप लगाएं और फिर अगले दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हो जाएं। ये तमाम तर मामला जाहिर है कि बहुत गौर तलब भी हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट भी हैं। इस मुल्क में जिस तरह से मदाखलत की गई है, अब जो अनरैवलिंग है वो भी इतनी ही ख़तरनाक होगी और ख़तरनाक कितनी होगी इस मुल्क में, और मज़ीद मसाइल की मुतहम्मल हम नहीं हो सकते। महंगाई भी है, अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में, आगे IMF का भी एक दौर चलना है, वो तमाम तर जो है उनको ज़ाहिर है हमें सब कुछ अपने आप को कंसिडर करना है कि हमने क्या करना है नेक्स्ट, कि हम जगह साई ना हो हमारी और हम कानून और आइन के मुताबिक रह सकें। कैसे होगा देखना बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।